खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज बहुत दूर लेकर चलते हैं आपको, लेकर चलते हैं जमैका। जी हाँ, वैसे ये जगह दूर है लेकिन सबसे तेज भागने वाला इंसान जो है वो जमैका से। वैसे वहाँ पे क्रिकेटर्स भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं। वहाँ का खाना कैसा होता है भाई? नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर समुद्र है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ का खाना क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना। क्या क्या है, चलिए एक फ्रिटर्स बनाते हैं, पकौड़े टाइप के हैं लेकिन अलग हैं, थोड़े से नमकीन थोड़े मीठे। क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैदा और कॉर्न के फ्रिटर्स बनाएंगे। तो ये जो है हमारे पास मैदे के साथ साथ, ये है मकई का आटा कॉर्न मील, ये मिक्स कर ली। और फिर इसमें आप एक काम करें, इसमें ये मैं डाल रहा हूँ, ये मार्जरीन है, आप मक्खन डाल सकते हैं। और उसके साथ साथ एक्चुअली थोड़ा नमक, और ये है बेकिंग पाउडर। और अब इसमें आपने इसे हाथ से मिक्स करना है। और ये मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ी चीनी, और उसके साथ साथ इसमें वनीला एसेंस, और ये जो है इसमें डालते हैं दूध। ये सब चीज़ें डाल के इसे मिक्स करना है और इसका बैटर तैयार करना है हमें। और ये जो बैटर है इसमें अंडा भी डालना है, अंडा फेंट के डाल सकते हैं या इसी तरह से भी डाल सकते हैं। ये अंडा इसमें डाल लेते हैं और इसमें डालते हैं ये दूध, और इसे ज़रा मिक्स कर लें। और ये बैटर बनाने के बाद ये एक चम्मच की सहायता से ये तेल के अंदर, ये इसके फ्रिटर्स, ज़्यादा बड़े नहीं, और इसे फ्राई कर लेते हैं। बस इसी तरह से इसे फ्राई करके हमने सर्व करने हैं, स्वीट सेवरी फ्रिटर्स। इसे फ्राई करते समय ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि अंदर से कच्चे रह जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसे आप फ्राई पूरा करें। इसलिए मैंने आँच जो है इसके नीचे से बंद कर दी है। लुक एट दिस लवली। और ये इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, अंडा डाला हुआ है, इसकी वजह से ये ऐसे बढ़िया से फूल रहे हैं, ये कैसे दही बल्ले से लग रहे हैं। ये मैं जरा इसको अंदर से चेक कर लेता हूँ। ये देखिए वैसे अंदर तक पक चुका है, तो इसका मतलब है कि बाकी जितने हैं बस वो थोड़ी सी देर में पक जाएंगे। और पकने के बाद ये जो हैं इसको हम निकाल कर सर्व करेंगे। लेकिन एक जरा आपके लिए टेस्ट कर लेता हूँ मैं कि टेस्ट कैसा है। इंटरेस्टिंग टेस्ट है, ना मीठा है ना नमकीन है। मकई का टेस्ट, कॉर्न का टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, लेकिन जो एक टेस्ट एक्सपेक्टेड नहीं है और वो आ रहा है वो है वनीला का। चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्रश्ड शुगर डालकर, जैसे ये चीनी है हमारे पास, ये ऊपर से डाल के फिर इसे खा के देखिए। टेस्ट इज डिलीशियस। नोट करें कॉर्न फ्रिटर्स की रेसिपी, उसके बाद इसका एक भी क्या। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप मकई का आटा, आधा कप मैदा, दो बड़े चम्मच मार्जरीन, नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक बड़ा चम्मच चीनी, कुछ बूंदे वनीला एसेंस की, एक कप दूध, एक अंडा फिटा हुआ और तलने के लिए तेल। इसे बनाने के लिए मैदा में मकई का आटा, मार्जरीन, नमक और बेकिंग पाउडर डालकर इसे हाथ से मसल कर मिला लें। फिर इसमें चीनी, वनीला एसेंस, दूध और अंडे डालकर मिक्स करें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें तैयार बैटर को कच्ची की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे सुनहरा होने तक तलें, और फिर इसे किचन टॉवल या न्यूज़पेपर पर निकालें और गर्मा गर्म सर्व करें।